नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण खबर है वह हम आपको बताएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए आज के महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। तो संविदा पर नियोजित कर्मियों के सवाल का जवाब तलाशने एक बार फिर हमने बिहार के अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाया, उनसे संपर्क स्थापित किया। हमने बिहार के उच्च अधिकारियों से जानना चाहा कि बिहार सरकार संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन बढ़ाएगी या नहीं। क्या नियोजित शिक्षक, जिनका वेतन 4000 से बढ़कर 40000 हो चुका है, वर्तमान में भी सरकार क्या एक बार फिर नियोजित शिक्षकों का ही मांग मंजूर करने जा रही है। और साथ ही हमने पूछा कि संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी या वर्गीकृत कर्मी जो लाखों की संख्या में बिहार सरकार पर आस लगाए हुए हैं और इंतजार में हैं कि संविदा कर्मियों का भी सरकार वेतन वृद्धि करेगी, क्या संविदा कर्मियों के आशा पर पानी फिर जाएगा? यदि संविदा कर्मियों के आशा पर पानी फिरने वाला है तो ऐसा क्यों और क्या कारण है कि सरकार नियोजित शिक्षकों का मांग तो मान ले रही है लेकिन संविदा कर्मियों के मांग पर जो है कि कोई चर्चा नहीं कर रही है, कोई जवाब तक नहीं दे रही है। अधिकारियों ने हमारे प्रत्येक सवाल का जवाब हमारे सूत्रों को जो है कि उपलब्ध कराया है, वह हम आपको बताएंगे। वीडियो को सुनकर जो है कि आप दांतों तले अंगुली दबा लीजिएगा, आप वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और जो है कि एक बार अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इससे पहले कि हम जो है कि आपके सवालों का जो जवाब हमको अधिकारियों से प्राप्त हुआ है, सूत्रों के हवाले से जो खबर प्राप्त हुई है उसका जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले हमने कहा था कि ट्विटर पर यदि 25000 की संख्या में लोग फॉलो कर लेते हैं तो संविदा कर्मियों की बात को दमदार तरीके से सरकार तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 200 के करीब में लोग फॉलो किए हैं। इसलिए आप लोग जो बाकी रह गए हैं, जो ट्विटर चला रहे हैं और ट्विटर पर नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे जो है कि एक बार फिर हम आपको अनुरोध करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे रहे हैं, लिंक पर जाएं और फॉलो कर लीजिए और ट्विटर पर हमको सपोर्ट कीजिए ताकि जो है कि संविदा कर्मियों की आवाज़ को दमदार तरीके से उठाया जा सके। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमने जो सवाल संविदा कर्मियों को लेकर सरकार से जो पूछे हैं, उन सवालों को अभी हमने आपके सामने वीडियो में बताया है। आपको जो है कि एक बार फिर हम बता दिए देते हैं कि हमने पूछा कि बिहार सरकार के अधिकारियों से जानना चाहा कि बिहार सरकार संविदा नियोजित कर्मियों का वेतन बढ़ाएगी या नहीं। क्या नियोजित शिक्षक, जिनका वेतन 4000 से 40000 हो चुका है, वर्तमान सरकार एक बार फिर नियोजित शिक्षकों का ही मांग मंजूर करेगी? संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी या वर्गीकृत कर्मी जो लाखों की संख्या में बिहार सरकार पर आस लगाए हुए हैं, इस इंतजार में है कि संविदा कर्मियों का भी सरकार वेतन वृद्धि करेगी, क्या संविदा कर्मियों के आशा पर पानी फिर जाएगा? यदि संविदा कर्मियों के आशा पर पानी फिरने वाला है तो ऐसा क्यों और इसका कारण क्या है कि नियोजित शिक्षकों की मांग को मान लिया जा रहा है और संविदा कर्मियों की कहीं चर्चा भी नहीं हो रही है? अधिकारियों ने अपना नाम नहीं छापने के सवाल पर, अपना नाम उद्घोषित नहीं करने के बात पर, शर्त पर उन्होंने जो हमें जवाब दिया वह जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं। आप भी सुन लीजिए ताकि बातें आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वास्तविकता से संविदा कर्मी जो है कि दूर रहते हैं। अब हम आपको उन सवालों का जवाब संविदा कर्मियों को देंगे जो हमने पूछा और अधिकारियों ने हमको हमारे सूत्रों को उपलब्ध कराया। साथ ही यह शर्त भी रख दिया कि हमारे नाम का उद्घोषणा नहीं होना चाहिए। हमारे सूत्रों के हवाले से प्राप्त जवाबों के अनुसार अधिकारी बताते हैं कि बहुत पहले कहीं चुनावी सभा में नियोजित शिक्षक नेताजी के साथ लातम जुतम करने पर उतारू हो गए थे, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नेताजी निकल पाए। नेताजी को मालूम है कि जैसे ही चुनावी अधिसूचना जारी हो जाएगा
नेताजी भी सरकारी आदमी से आम आदमी हो जाएंगे और आगे पीछे जो फौज घूम रही है वो हट जाएगी और नाम के लिए सिर्फ दो बॉडीगार्ड रह जाएगा। चुनावी भाषण करते समय यदि विरोधियों ने नियोजित शिक्षकों को उकसा दिया और उकसावे में आकर शिक्षकों ने घोड़ा गधा की तरह पीटना शुरू कर दिया तो सारी की सारी राजनीति धरी रह जाएगी और प्राण तन से जुदा हो जाएगा। विदित हो कि बहुत से नियोजित शिक्षकों का इतिहास दागदार रहा है और प्राण का भय सभी को होता है। इसी भय से आक्रांत होकर जिस पर नियोजित शिक्षकों की मांग जमाई की तरह जो है कि मंजूर कर लिया जाता है, वैसे ही सभी मांगों को नेताजी मान लेते हैं। जिस तरह जो है कि जमाई को दहेज में ससुर जी सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, नियोजित शिक्षकों की मांग मान ली जाती है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिना भय के प्रीत नहीं होता है, और वैसे ही शिक्षकों के प्रति जो यह प्रीत दिख रहा है, यह प्रेम दिख रहा है, उसके पीछे का कारण भय और डर और खौफ है, ताकि जो है कि कहीं चुनावी भाषण में घोड़ा गधा की जैसे तब तक मारते रहने का डर है जब तक प्राण तन से जुदा ना हो जाए। विरोधियों द्वारा शिक्षकों को उकसाने का भय और आखिरी अखरेरी प्राण गंवा देने के भय से जो है कि शिक्षकों के मांग को मंजूर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ संविदा कर्मी मासूम हैं, नियम कायदे में रहने वाले हैं, हिंसा तो दूर की बात, हड़ताल से भी डरते हैं। 10 लाख की संख्या है लेकिन शाकाहारी डायनासोर हैं, इनसे किसी को कोई भय नहीं, इसलिए इनसे किसी को कोई भय नहीं, इसीलिए इनसे किसी को कोई प्रीत भी नहीं, इसलिए इनकी बात किसी मंच पर जो है कि नहीं किया जा रहा है। नेताजी लात के देवता हैं, बात की भाषा कभी नहीं समझेंगे। उसके बावजूद भी अन्य राज्यों ने संविदा नियोजित कर्मियों को वेतन वृद्धि किया है, तो नेताजी के ऊपर भी नैतिक दबाव है। बिहार में भी संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि की बात चल रही है और हो सकता है कि नेताजी की सद्बुद्धि जागृत हो, नैतिकता जागृत हो और बिहार के इन 10 लाख संविदा नियोजित कर्मियों का वेतन 30,000 से ऊपर करके इनके भविष्य को उज्जवल करने का काम करें, इनके परिवार में सुख और शांति कायम करने का फैसला लेकर बिहार में जो भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके 10 लाख के करीब में संविदा नियोजित कर्मी हैं, उनको राहत प्रदान करेंगे, ऐसी जो है कि उम्मीद बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मी और उनके परिवार के सदस्यगण लगाए हुए इंतजार कर रहे हैं। तो अधिकारियों ने जो है स्थिति अंदर की बात को स्पष्ट कर दिया है, इससे आप समझ सकते हैं कि भय के पीछे बिना भय के प्रीत न हो ही गोपाला ले लहू अपन कंठी माला, यह जो कहावत है उसी को आज बिहार में चरितार्थ किया जा रहा है। किंतु हम जो है संविदा पर नियोजित कर्मियों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए और आगे भी जो है कि वीडियो देखने का काम कीजिए, जो खबर प्राप्त होगी वह आपको दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।